सो हेलो इधर, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले कुकॉइन का जो विड्रॉल है, लास्ट वीडियो बनाया था इस पर, बट बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं एक कॉमन वीडियो बना रहा हूँ। अभी कौन सा भी ऐप हो, विड्रॉल आपको ऐसे ही करना है, ओके, सेम टू सेम, बस ऐप डिफरेंट होगा एंड थोड़ी से मैं स्टेप्स भी बता दूंगा, ओके, बट रेफरल जो है, सॉरी विड्रॉल जो है सेम ही होगा, ओके। तो मेक श्योर करना वीडियो टिल द एंड देखना एंड लाइक का गोल जो है कंप्लीट कर देना, 30 लाइक्स का गोल रख देते हैं, छोटा है कंप्लीट कर दोगे, ओके। तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करना एंड अगर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करो, लेटेस्ट अपडेट आते रहती है कुकॉइन के बारे में और जो कुछ भी अभी फिलहाल एयर ड्रॉप चालू है उसके बारे में, ओके, लूनार वगैरह सबके बारे में, ओके। तो मेक श्योर करना टेलीग्राम पेज भी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक टेलीग्राम की मिल जाएगी, ओके। एंड चलो गाइस, अब बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरी प्रोसेस जैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, ओके। आपको क्या करना है, पहले तो अपना जो कुकॉइन का ऐप है वो ओपन करना है एंड रेफरल के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे आपके जो कुछ भी रेफरल वगैरह। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने 40 का बॉक्स अगर एक बार ओपन कर दिया तो बाद में आपको ये ओपन नहीं कर सकते, ओके। तो मेक श्योर करना कि आप थोड़ा सा ध्यान दो उसके ऊपर, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करो एंड थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्टार्स वाला बॉक्स उठाओ, ओके। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए अभी यही जो 40 वाला है वही विड्रॉल करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको क्या करना है, एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है, ओके। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लेम करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लेम कर देते हो, आपको जैसे देख सकते हो ऊपर के जो स्टार्स आपके निकल गए एंड थोड़ी ही देर में आपको जो वॉलेट में वो आपके जो कॉइन्स है वो मिल जाएंगे, ओके। तो थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ जब वो कॉइन्स मिल जाएंगे तब। सो जब तक ये कॉइन्स आते हैं थोड़ा सा देर लगता है, 10-15 मिनट लगेगा, ओके। तो तब तक मैं आपको एक बता देता हूँ थोड़ी सी अगली प्रोसेस, ओके। आपको क्या करना है, किसी भी मैं आपको बता देता हूँ आपको गूगल ऑथेंटिकेशन जो है क्यों डाउनलोड करना है, ओके। जैसे आप इसी कौन से भी कॉइन के ऊपर क्लिक करो एंड आप अगर विड्रॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एक नोटिस आ जाएगी, आपको जो है अगर विड्रॉल करना है तो SMS वेरिफिकेशन और गूगल वेरिफिकेशन, ओके, दो चीज़ें आपको चाहिए, दोनों में से कौन सी भी एक चाहिए और ट्रेडिंग पासवर्ड, इन तीनों में से कौन सी भी एक चाहिए आपको, आपकी मर्ज़ी आप कौन सी। मेरे हिसाब से आपको गूगल ऑथेंटिकेशन जो है वो ऐप डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ है एंड फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। तो इसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे, ओके। आपको क्या करना है, वो जो ऐप है डाउनलोड करना है। सो बता देता हूँ गाइस आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आना है, यहाँ पे होम में, यहाँ पे ऊपर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आपके नाम के नीचे सिक्योरिटी करके ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड गूगल वेरिफिकेशन जो है कोड यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा आगे, ओके। बट आपको पहले क्या करना है, ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे देना है, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड जो है आपका सिलेक्ट करना है, जो कुछ भी आपका ट्रेडिंग पासवर्ड है, ओके। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, आप भी अपना सिलेक्ट करो, मैं पासवर्ड रख के आपको मिलता हूँ। सो गाइस, ट्रेडिंग पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे आपको जो है सेंड पे क्लिक करना है, आपके जो कुछ भी आपका ईमेल होगा वहाँ पे जो है आपको एक पासवर्ड सॉरी OTP आएगा, आपको OTP देना है एंड देन आपका जो है पासवर्ड सिलेक्ट करना है। बाद में आपको क्या करना है, गूगल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे भी जो है आपको सेंड पे क्लिक करना है, ओके। वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे आएगा, मैं वो डाल के फिर आपको पासवर्ड वगैरह रख के मिलता हूँ, ओके। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपना जो वेरिफिकेशन कोड डालते हो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है तो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर जो है मेरे को अब भी रिसीव हुआ मैसेज, आप भी आपने देखा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको वेरिफिकेशन का वो बता देता हूँ। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेशन जो है आप अगर डाउनलोड नहीं किया तो पहले आपको वो डाउनलोड करना है एंड आपको जो है प्रोसेस कंटिन्यू करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉलर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा एंड ये जो है ये मेरी की है, ओके। मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी, ये प्राइवेट की होगी, ओके, ये आपको किसको भी दिखाना नहीं है। तो मेक श्योर करना कि आप इसको संभाल के रखो कहीं पर, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपको क्या करना है, देन गूगल ऑथेंटिकेशन में जाना है। मैं यहाँ पे पहले ऑन, मैं मेरा गूगल ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेता हूँ यहाँ। तो आपको क्लिक करना है एंटर सेटअप की पे एंड यहाँ पे जो है आपको वहाँ से जो की कॉपी की थी यहाँ पे डाल देना है, ओके। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है नाम देना है जिस किसी का भी ये हो, ओके। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बस ये आपको समझने के लिए, ओके। मैं यहाँ पे मेरा नाम दे देता हूँ कुकॉइन एंड ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुकॉइन करके ऐड हो चुका है एंड ये जो है बहुत ज़्यादा सेफ है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, मेरा जो वेरिफिकेशन जो कोड था यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया एंड जैसे कि आप देख सकते हो
सक्सेसफुली हो चुका है, ओके कनेक्टेड हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, बैक आना है वो काम होने के बाद। एंड जैसे आप यहाँ पे एसेट्स में जाते हो, जिसके आप देख सकते हो आपके सामने जो है, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि मेरे को जो है अपना INR में कन्वर्ट कर रहा था, वो दूसरे करेंसी में कन्वर्ट हो गया था गलती से। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास आ चुके हैं हमारे जो 153 रुपीज़। बस आपको एक ही दिन में कम नहीं है, आप लूनार को अगर कंसिडर करो तो लूनार आपको 35 रुपीज़ देता है, मतलब यहाँ से ज़्यादा ही निकल रहे हैं बैर हुए बिना। तो आपको क्या करना है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो आपको कौन से भी दो कॉइन मिलेंगे, ओके अभी हम क्या करेंगे, USDT पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है ट्रांसफ़र, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो आपको क्या करना है, मेन जो आपका अकाउंट, मेन अकाउंट से आपको क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। तो आपको क्या करना है, ऊपर मेन अकाउंट रखना है, नीचे ट्रेडिंग अकाउंट रखना है, ओके एंड यहाँ पे अमाउंट जो है ऑल पे क्लिक कर देना है, जितना भी आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देते हो, जैसे आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है आपके $1 आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको क्या करना है, जो दूसरा आपको जो कुछ भी कॉइन मिला होगा सबको डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, आपको क्या करना है उस पर भी ऐसा ही करना है, ट्रांसफर पे क्लिक करना है, मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है एंड जैसे कि आप देख सकते हो गए, ओके आपको क्या करना है अभी। जैसे आपके वो ट्रेडिंग में आपको ट्रांसफर करना है एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको कॉइन पे क्लिक करना है, ओके तो मैं इस कॉइन पे अभी क्लिक करूँगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, रुको मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा, ये जो ऑप्शन है ना आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके तो मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके बता देता हूँ, इसको कट करना हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर दोगे आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, मैं आपको बता देता हूँ मार्क करके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके एंड देन आपको यहाँ पे 100% जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, ओके मैं वो कर देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे पूरा अमाउंट आ गया। हमको यहाँ पे क्या करना है, अवेलेबल SHIB के नीचे जो है 100% उसके ऊपर आपको क्या है 100% कर देना है, ओके एंड आपको क्या करना है यहाँ पे सेल SHIB पे क्लिक करना है, ओके तो यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड मांग रहा है, आपने जो कुछ भी वहाँ पे पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे पासवर्ड दे देना, ओके मैं यहाँ पे दे देता हूँ देन आपको मिलता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो गाइस सक्सेसफुली हो चुका है अभी हमारा जो है, ओके तो आपको क्या करना है अभी फिर से बैक आना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास अभी सभी वो जो कॉइन है हमने वो सेल कर दिए एंड हमारे पास अभी जो है 2 USDT आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइज हमारे पास USDT आ चुका है, अभी आपको क्या करना है यहाँ पे कॉइन सर्च मारना है, कॉइन कौन सा सर्च मारना है, TRX, ओके ये कॉइन जैसे आप सर्च मारते हो इसके ऊपर क्लिक कर देना, ओके जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो आपको क्या करना है यहाँ पे एक कॉइन जो है बाय करना है, ओके आपको क्या करना है यहाँ पे TRX USDT यहाँ पे क्लिक करना है, ओके मैं आपको बता देता हूँ इस ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है, ओके जैसे आप जैसे आप इस पे ऊपर क्लिक कर देते हो तो वैसे आपको क्या करना है यहाँ पे TRX जो हमने जैसे कॉइन सेल किया था वैसे आपको बाय करना है, ओके तो यहाँ पे बाय TRX पे आपको क्या करना है क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट जो है आपकी आ चुकी है एंड यहाँ पे 100% करना है, ओके एंड आपको क्या करना है यहाँ पे बाय TRX के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बाय TRX के ऊपर क्लिक करते हो यू हैव परचेस्ड, ओके जैसे आप देख सकते हो अभी आपके जो है अकाउंट में TRX आ चुका है, ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो है TRX आ चुके हैं। आपको क्या करना है अभी, अगर इसको आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो आपको WZRX हो गया बायनांस हो गया, वहाँ से आपको क्या करना है TRX का आपका जो कुछ भी एड्रेस है वहाँ से आपको क्या करना है वो कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट करना है एंड वहाँ पे भी आपको जो है TRX आपके दिख जाएगी, वहाँ से आप अपने बैंक में ले सकते हो, ओके तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे ट्रेडिंग में से आपको क्या करना है मेन में सेंड करना है, ओके मैं वो कर देता हूँ आपको हर बार की तरह सेम ही स्टेप से, ओके आपको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जो है मेन अकाउंट में क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दो एंड कंफर्म पे क्लिक कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो है ट्रांसफ़र जो है कंफर्म हो चुका है। अभी आपको क्या करना है होम पे आना है, आपको क्या करना है TRX के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको जो है विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। विड्रॉल के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आपका जो वॉलेट का जो है एड्रेस यहाँ पे डालने को बोलेगा, यहाँ पे जो वॉलेट का एड्रेस डाल देते हैं, आपको जो है वहाँ से एड्रेस कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके जो है आपको पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। वॉलेट अमाउंट पे आपको क्या करना है मैक्स पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, ओके जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देते हो
ओके, जैसे आप देख सकते हो कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। देन जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दे तो यहाँ पे आपको फिर से ट्रेडिंग का जो है पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड देते ही आपको क्या करना है, सेंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हो, एक वेरिफिकेशन कोड आपके जो है मेल पे आएगा। ओके, आपके गूगल पे भी आएगा एंड जो गूगल ऑथेंटिकेशन कोड था हमारा वहाँ पे भी आएगा, तो आप कहीं से भी उठा सकते हो। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन का जो कोड है जो हमने पहले ऐप डाउनलोड किया था उस ऐप में जाना है एंड वहाँ से जो है आपको आपका जो कोड है वो उठाना है। ओके, मैं बता देता हूँ आपको कैसे उठा दे। आपको इस आपको जो ओपन करना है एंड कुकॉइन जैसे आप बता दिए थे, आपको क्या करना है यहाँ से इसको कॉपी करना है। ओके, एक लिमिटेड टाइम है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हर एक मिनट के बाद ये चेंज होता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी नेक्स्ट जो है मिनट चालू हो गया। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हो कॉपी हो चुका है वो कोड। आपको क्या करना है, इस यहाँ पे आके जो है आपको वेरिफिकेशन कोड जो है यहाँ पे पेस्ट करना है कन्फर्म। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक कर दे तो विड्रॉल सक्सेसफुल ऐसा कह रहा है, अभी यहाँ से पैसे आपके जो है निकल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो 00 आपके जो वॉलेट में जो है पैसे आ जाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप देख सकते हो। ओके, जो मतलब प्रूफ आपके सामने जो है आ चुके हैं, 152 जो है रुपीज़ जो है आ चुके हैं स्क्रीनशॉट आपके सामने। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो आपके सामने टाइमिंग के साथ जो है रिसीव हो चुके हैं विद इन सेकंड। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके जो है वॉलेट में हो चुके हैं। आप अभी ये जो प्रोसेस है कॉमन प्रोसेस है, आप ये सभी आपके साथ कर सकते हो। ओके, ये जो प्रोसेस है बस कुकॉइन के लिए नहीं है, सभी ऐप के लिए। ओके, एंड आपको TRX से ही करना है। TRX से क्यों करना है, क्योंकि TRX का जो चार्जेस है ट्रांजेक्शन की जो फीस होते हैं उस पर हर बार एक चार्जेस लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं चार्जेस, इसलिए आपको जो है TRX से ही करना है। आप दूसरे से भी कर सकते हो बट ज़्यादा पैसे देने हैं तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, TRX से ही करना मेरे हिसाब से तो। ओके, तो सबको समझा दिया गया गाइस, सिर्फ जो जो लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, भाई आपके लिए ये रहा वीडियो एंड कुछ समझ में अभी भी नहीं आया तो मैं श्योर करना कि आप कमेंट करो एंड टेलीग्राम पे भी जो है पूछोगे। अभी मुझे नहीं लगता अभी कुछ कन्फ्यूजन होगा फिर भी, ठीक है, तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम पे आप जाके फॉलो करो मस्ट टू मस्ट एंड कुछ इसके बारे में अगर प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर करना कि आप कमेंट सेक्शन भर दो। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, आपका ये कमेंट सेक्शन। एंड अगर कुछ यूनिक प्रॉब्लम हो रही है तो मेक श्योर करना कि उसका स्क्रीनशॉट निकाल के टेलीग्राम पे आप पूछो। ओके, तो इट्स मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ट्रिक के साथ, इतने बड़े ड्रॉप के साथ। बाय गाइस, पीस।